हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑन द गवर्नमेंट अप्रूव वर्क स्टेशन, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल कैट गुरु। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक। आज हम पिछले क्लास पे बेस कुछ कमांड के ऊपर ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास के अंदर कौन कौन सी कमांड की थी? हमने पिछले क्लास के अंदर कमांड की थी पॉलीगन, रेक्टेंगल, फिलेट और चैम्फर। तो आज हम इन चार कमांड के बेस पर कुछ ड्राइंग करेंगे, जिससे हमें इन चारों कमांड को यूज करना आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली ड्राइंग है हमारी, वो है आपकी ये वाली, ठीक है। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको पॉलीगन दिख रहा है, जो एक तो सर्कल के बाहर है, फिर सर्कल के अंदर है, फिर सर्कल के बाहर है। ये सर्कल के बाहर है, ये सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के बाहर है। मतलब जो जिस सर्कल का रेडियस 2 है उस पे तो जो पॉलीगन है वो सर्कमस्क्राइब है, मतलब सर्कल के बाहर है। जो सर्कल जिसका रेडियस 4 है उसके अंदर जो पॉलीगन है वो इनस्क्राइब्ड है, मतलब सर्कल के अंदर है। उसके बाद जो सर्कल है जिसका रेडियस 5 है उसके भी जो पॉलीगन है वो सर्कल के बाहर है, मतलब सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। तो मतलब जो रेडियस है 2 वो सर्कमस्क्राइब, 4 वो इनस्क्राइब और 5 वो भी सर्कमस्क्राइब। तो चलिए इसको बनाते हैं ऑटो कैड के अंदर। तो हम ऑटो कैड के अंदर गए, तो कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम सर्कल लेंगे, ठीक है। हमने सर्कल लिया, सी टाइप किया, सी करके एंटर, सर्कल का शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद सर्कल टाइप करते क्या बोल रहा है हमें? स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 0.0। उसके बाद आपसे बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे छोटा जो रेडियस था वो कितना था? 2, ठीक है। उसके बाद जो इस सर्कल के अंदर हमें क्या करना है? पॉलीगन ड्रॉ करना है, POL, पॉलीगन, ठीक है। एंटर। इसमें क्या बोल रहा है आपको? यह जैसे हमने पॉलीगन टाइप किया इसके साथ क्या आ गया? एंटर दी नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड कितना है इसके अंदर? जो इस जो आपको इस फिगर के अंदर दिख रहा है, इस फिगर के अंदर जो आपको पॉलीगन के जो नंबर ऑफ साइड दिख रहे हैं वो कितने हैं? 8 है, 8। तो इसमें हम कितना नंबर ऑफ साइड टाइप करेंगे? एंटर दी नंबर ऑफ साइड 8। तो हमने 8 टाइप कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। सेंटर ऑफ द पॉलीगन इज 0.0। अब आपसे पूछ रहा है इनस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब। तो जो आपका रेडियस 2 का था उसके अंदर जो पॉलीगन था वो सर्कल के बाहर था, मतलब सर्कमस्क्राइब। अब इसको आपको पॉलीगन को रेडियस देना है, तो पॉलीगन का रेडियस कितना हो जाएगा? 2। ये देखिए, ये आपको सर्कल के बाहर बन गया, ठीक है। फिर दोबारा हमें सर्कल लेना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट 0.0, रेडियस 4, फिर हमें पॉलीगन लेना है, नंबर ऑफ साइड्स 8, सेंटर पॉइंट 0.0। अब की बार इनस्क्राइब, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सर्कल के अंदर बनेगा आपकी बार, और रेडियस कितना हो जाएगा? 4। ये देखिए, इसके अंदर जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर बन गया है, ठीक है। फिर हमें एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर पॉइंट 0.0, ठीक है, रेडियस 5, ठीक है। अब क्या करना है हमें? फिर पॉलीगन लेना है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाएंगे, सेंटर पॉइंट 0.0। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए? सर्कमस्क्राइब, जो आपके जो 5 का रेडियस था उसके अंदर जो पॉलीगन है वो आपके सर्कल के बाहर है, तो क्या हो जाएगा? ये सर्कमस्क्राइब। तो हमने ले लिया सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 5। एंटर। तो ये आपकी पहली ड्राइंग बनकर तैयार हो गई। ये देखिए, जो रेडियस 2 है उसके अंदर जो पॉलीगन है वो सर्कल के बाहर है, जिसका रेडियस 4 है उसके अंदर पॉलीगन अंदर है, और जिसका रेडियस 5 है उसमें जो पॉलीगन है वो बाहर है। ये भी देख लीजिए, इसके अंदर भी सेम टू सेम यही चीज है, ठीक है। तो हमने पॉलीगन यूज करना सीखा, ठीक है, इस ड्रॉइंग की हेल्प से। पॉलीगन को हम कैसे यूज करेंगे? कि वो सर्कल के अंदर बन रहा है या सर्कल के बाहर बन रहा है? सर्कल के अंदर बनेगा तो मतलब इनस्क्राइब, सर्कल के बाहर बनेगा तो सर्कमस्क्राइब। तो चलिए इसी पर डिलीट कर देते हैं, और इसी के साथ हम दूसरी ड्रॉइंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हमारी दूसरी ड्रॉइंग है वो है आपकी ये वाली। इसके अंदर आपका चैम्फर यूज हुआ है, इसके अंदर आपका फिलेट यूज हुआ है, इसके अंदर आपका रेक्टेंगल यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको फिलेट करेंगे, उसके बाद उसको चैम्फर करेंगे। यही तीन ड्राइंग हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं ऑटो कैड के अंदर। ऑटो कैड के अंदर हम गए, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो रेक्टेंगल उसकी जो ब्रेथ है वो 1 है, और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3, ठीक है। तो हमने ले लिया, ऑटोकैड के अंदर आ गए। रेक्टेंगल के लिए आर ई सी टाइप करें, आप आर ई सी टाइप करते आपकी रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल एंटर।
आपको बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर 0,0। अब आपको बोल रहा है स्पेसिफाई अनदर कॉर्नर, तो आपकी लेंथ 3 थी और ब्रेथ 1 थी, तो 3,1। तो ये आपका 3,1 का रेक्टेंगल बन चुका है जिसकी लेंथ 3 है और जिसकी ब्रेथ 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फिलेट करना है, जिसका रेडियस है 0.375। ठीक है, तो चलिए फिलेट कर लेते हैं इनके चारों साइड को। फिलेट कैसे करेंगे, एफ एंटर, एफ फॉर फिलेट, फिर उसके बाद रेडियस आर एंटर, आपका रेडियस क्या हो जाएगा 0.325 एंटर। उसके बाद आप वैसे साइड क्लिक करें, ये देखिए राइट क्लिक रिपीट फिलेट, ये वाला फिर ये वाला, फिर आप राइट क्लिक करें रिपीट फिलेट ये साइड फिर ये वाला साइड, फिर आप राइट क्लिक करें रिपीट फिलेट वाला साइड और ये वाला साइड। ये देखिए आपने इस रेक्टेंगल को फिलेट कर दिया, तो आपको फिलेट करना आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक अगली, अब फिर से इसको हम मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब की बार जो हमारी जो अगली ड्राइंग है उसके अंदर हमें चैम्फर करना है 0.375 का। ठीक है, तो अब की बार हम चैम्फर करेंगे, चैम्फर के लिए क्या लिखेंगे, CHA शॉर्ट फॉर्म है चैम्फर का, CHA के बाद एंटर। हमने फिलेट के अंदर R टाइप किया था और चैम्फर के अंदर D टाइप करेंगे, D एंटर, और कितना आपका डिस्टेंस है 0.375 और एंटर। ठीक है, और अगला जो जो सेकंड होगा वो भी इतना ही का इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से भी 0.375 कट हो और यहां से भी 0.375 कट हो, फिर हम रिपीट चैम्फर, यहां से भी 0.375 यहां से भी 0.375, फिर रिपीट चैम्फर यहां से भी 0.375 और यहां से भी 0.375, फिर रिपीट चैम्फर यहां से भी 0.375 और यहां से भी 0.375। ये देखिए आपने फिलेट भी कर लिया और चैम्फर भी कर लिया और आपने रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया, तो यहां से आपको तीनों कमांड समझ में आ गई होगी, रेक्टेंगल फिलेट और चैम्फर। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम एक टोटल एक और ड्राइंग करते हैं जिससे आपको कंप्लीटली सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो ड्राइंग कौन सी है, वो वाली ड्राइंग है आपकी ये वाली। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको सर्कल दिख रहा है जिसकी रेडियस 30 है, फिर पॉलीगन दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और उसका रेडियस 20 है, फिर 129 की डिस्टेंस पे आपको एक और सर्कल दिख रहा है जिसके रेडियस 20 है, उसके अंदर पॉलीगन है जिसकी रेडियस 15 है और उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5 है, और दोनों के दोनों पॉलीगन इंस्क्राइब है मतलब सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो चलिए पहले ये दो चीज बना लेते हैं, एक सर्कल जिसका रेडियस 30 है, उसके अंदर एक पॉलीगन है जिसका रेडियस 20 है जो इंस्क्राइब है, और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं इसकी 6, और दूसरा 129 की डिस्टेंस पे एक और सर्कल है जिसका रेडियस 20 है जिसके अंदर जो पॉलीगन है वो 15 रेडियस का है और उसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15। तो चलिए चलते हैं ऑटो गाइड के अंदर, ये हम गए ऑटो गाइड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल, सर्कल के लिए सी, उसके बाद सेंटर पॉइंट 0,0 और रेडियस कितना दे रखा था सर्कल का 30। ठीक है, तो ये सर्कल कुछ ज्यादा बड़ा, उसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसी के अंदर आपका पॉलीगन है POL, पॉलीगन क्लिप शॉर्ट फॉर्म एंटर, आपसे क्या बोला नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया 6, अब सेंटर पॉइंट 0,0, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है इंस्क्राइब, इंस्क्राइब इन ए सर्कल। ठीक है, और आपका रेडियस कितना दे रखा है इसमें 20, ये मैंने 20 टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि 129 की डिस्टेंस पे एक और सर्कल चाहिए और उसके अंदर एक और पॉलीगन है जो इंस्क्राइब है जिसका जो रेडियस है 15 है और टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने एक लाइन लिया, ये लाइन ले लिया मैंने 0,0 से। ठीक है, उसके बाद यहां से मैं 129 तक गया। ठीक है, अब यहां पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सी एंटर, और सेंटर पॉइंट आपका ये हो गया आपकी बार। ठीक है, और रेडियस कितना हो गया इसका 20, इस पे मुझे एक पॉलीगन बना रहा है POL, नंबर ऑफ साइड्स 5। ठीक है, सेंटर 0,0 और उसके बाद ये भी आपका इंस्क्राइब इन ए सर्कल, ओहो सॉरी 0,0 में तो ये ले लेगा, मुझे ये वाला सेंटर पॉइंट चाहिए था, सॉरी सॉरी गलती होगी हमसे, फिर से POL एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 5 एंटर, सेंटर ऑफ पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या चाहिए इंस्क्राइब चाहिए,
ठीक है, और स्पेसिफाई रेडियस कितना था उसका, 15 था। ये देखिए नंबर ऑफ साइड्स 5 और रेडियस 15, ठीक है। अब अगला हमारा क्या काम हो सकता है इसके अंदर, अगला ये है कि यहां से लेके यहां तक आपकी 20 का गैप है और हमने एक सेंटर लाइन खींच रखी है जो एकदम इसके बीचों बीच से होके जा रही है। तो मतलब इस सेंटर लाइन से यहां तक की डिस्टेंस 10, इस सेंटर लाइन से यहां तक की डिस्टेंस 20। तो मैं ऑफसेट कर देता हूं इस सेंटर लाइन को, 10 ऊपर और 10 नीचे, तो मतलब 20 डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। तो गए हम, ऑफसेट किया मैंने, ओ एंटर 10 एंटर, मैंने इसे ऑफसेट किया 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से ध्यान, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके बाद एक मेरे को दे रखा है यहाँ पे, तो सेंटर लाइन से 5 डिस्टेंस ऑफसेट ऊपर, 5 डिस्टेंस ऑफसेट नीचे, तो टोटल 10 का गैप हो जाएगा। इसको भी कर लेते हैं इकट्ठे ही एक बार। फिर से मैंने ऑफसेट किया, ओ एंटर 5 का ऑफसेट करना है मुझे, 5 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे ट्रिम कर लेते हैं, टी आर डबल एंटर, ये ट्रिम हो गया, ये वाला ट्रिम हो गया, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये वाला ट्रिम, ट्रिम, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर ली एक साइड की, उसी तरह एक्स्ट्रा लाइन दूसरी साइड की ट्रिम कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था ट्रिम के अंदर एक सबसे बढ़िया चीज कि इसके अंदर आपको डबल एंटर करना होता है ना, और ट्रिम, ट्रिम का मतलब है छोटा करना ना कि डिलीट करना, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज इसकी छोटी हो गई, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक चीज और ध्यान देनी है, इसके बाद यहाँ पे फिलेट हो रहा है, ठीक है, फिलेट हो रहा है ना, यहाँ पर रेडियस आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर फिलेट करना है, ठीक है। तो मैं फिलेट कर लेता हूँ इसके अंदर, मैंने किया फिलेट एफ एंटर आर एंटर, रेडियस ले लिया मैंने 10 का, तो इसके और इसके बीच में 10 का फिलेट हो गया। दोबारा मैंने रिपीट फिलेट लिया, इसके और इसके बीच में फिर से मैंने फ्लेट कर लिया, दोबारा मैंने रिपीट फ्लेट लिया, इसके और इसके बीच में मैंने फ्लेट कर लिया, दोबारा मैंने रिपीट फ्लेट किया, तो इसके और इसके बीच में मैंने फ्लेट कर लिया। तो देखिए ये आपका इतना सारा चीज़ बनकर तैयार हो चुका है, देखिए ये आपकी पोजिशन, ये चीज़ आपकी बन चुकी है ना कर्व, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मुझे ये वाली चीज़ बनानी है जो जिसकी डिस्टेंस आपको 70 दे रखी है टोटल। तो एक चीज मान सकते हैं कि अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करूं और उसको मैं 35-35 ऑफसेट कर दूं लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वो भी आपका 70 का डिस्टेंस बनकर तैयार हो जाएगा ना। तो मैंने एक सेंटर लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैंने ऑफसेट दे दिया 35 का, 35 इधर और 35 इधर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया ई एक्स डबल एंटर, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक की चाहिए ना, ये मैंने एक्सटेंड कर लिया इसे। हम सारी कमांड्स को यूज कर रहे ताकि हम उसे भूले ना, ठीक है। फिर टी आर डबल एंटर, तो टी आर डबल एंटर के अंदर आपको योरी लाइन नहीं चाहिए, योरी लाइन नहीं चाहिए, योरी लाइन नहीं चाहिए और योरी लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। और इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये तो बस मेरा एकमात्र मिड पॉइंट निकालने के लिए था, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा लाइन और भी है टी आर डबल एंटर, इसे ट्रिम करना है, इसे इसे तो हटाना ही है, इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है और इसे ट्रिम करना है ना। और इसे हमें हटा देना बीच में से क्योंकि इसका कोई यूज नहीं अब, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा उसी चीज के ऊपर। अब इनके बीच में गैप 10 और ये आर्क बन रहा है, मतलब इनका इस आर्क का जो रेडियस होगा वो 5 होगा। तो चलिए 5 रेडियस डाल देते हैं, आर्क आर्क में गए, स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस कितना हो गया आपका 5, ये आपका बन गया। इधर ये चीज को हटा दो, उसी तरह फिर दोबारा यहां पे करना है स्टार्ट एंड रेडियस। तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस कितना हो गया 5, और इसे हटा देते हैं बीच में से। ये देखिए ये आपका फिगर बनकर तैयार हो गया, सेम टू सेम जो आपका ये फिगर था वही हमने फिगर यहाँ बना लिया। तो आपको शायद पिछले क्लास में जो हमने कमांड की थी उसको यूज करना आ गया होगा। ऑटोकैड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।